हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले ये वाली फोटो की एडिटिंग। ये वाली फोटो की एडिटिंग क्यों कर रहे हैं पता है आप? नहीं आपको, क्योंकि मैंने जब इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी, ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट ये डाली थी कि आपको कौन सी वाली फोटो का एडिटिंग ट्यूटोरियल चाहिए, इस वाली या इस वाली। तो बहुत से भाई लोग ने कहा था कि इस वाली फोटो का एडिटिंग ट्यूटोरियल चाहिए, क्योंकि इस वाली फोटो में सबसे ज्यादा वोट आए थे, ठीक है, 60K+ कुछ वोट आए थे, ठीक है। तो मैंने ये वाली फोटो का एडिटिंग ट्यूटोरियल आपके लिए ले आया हूँ। अच्छा तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेगुलर होगी यूट्यूब पे वीडियो। अगर यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो नहीं होगी तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे पोस्ट देखना चाहते हो कि हम कैसे कैसे पोस्ट डेली करते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम लिंक इन द बायो, ठीक है, सॉरी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ओके गाइज, वेलकम बैक टू द लाइट रूम ऐप, ठीक है। तो आपको लाइट रूम एप्लीकेशन आ जाने के बाद सबसे पहले आपको चले जाना लाइट रूम ऐप के लाइट वाले ऑप्शन पे एंड उसको कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देना, ठीक है, एंड उसकी हाईलाइट भी इंक्रीज कर देना है आपको, और शेडो भी इंक्रीज कर देना है, एंड वाइट्स भी इंक्रीज कर देना है, एंड ब्लैक्स को कर देना है कम, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से चले जाना है इस वाले ऑप्शन पे एंड इसका वाइब्रेंस बढ़ा देना है आपको, और यहाँ से चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कलर लेंगे और उसको कर देंगे प्लस, ठीक है, एंड दूसरे वाले ऑप्शन को भी कर देंगे प्लस, सेचुरेशन को भी कर देंगे प्लस, एंड इसको भी कर देंगे प्लस, ठीक है। सेकंड वाले कलर पे जाएंगे एंड दूसरा वाला ऑप्शन को कर देंगे -40 एंड इसको कर देंगे प्लस, क्योंकि अपनी स्किन हो जाएगी ब्राइट, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको चले जाना है 3 वाले ऑप्शन पे यानी येलो वाले ऑप्शन पे एंड इसको कर देना है प्लस, एंड इसको भी कर देना है प्लस। फिर चले जाना आपको ग्रीन वाले ऑप्शन पे एंड इसको, इसका कलर कर देना है आपको प्लस, एंड इसको भी कर देना है आपको माइनस कुछ समथिंग इतना, ठीक है। इतना कर देने के बाद यहाँ से अभी आपको इस वाले ऑप्शन को कर देना है पूरा माइनस एंड इसको भी पूरा माइनस, इसको भी पूरा माइनस, ठीक है। अभी ये इतना हो जाने के बाद अभी यहाँ से आपको इस वाली फोटो को कर देना है सेव, ठीक है। इस वाली फोटो को सेव करके यही वाली फोटो आपको डबल इनपुट कर देनी है लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है। तो मैं इनपुट करके आता हूँ। सो ओके गाइस, मैंने दूसरी फोटो इनपुट कर दी है, ठीक है, आपको भी कर लेना है। फिर ऐसे फिर से आपको लाइट वाले ऑप्शन पे इसकी हाईलाइट कर देनी है कम, इसकी हाईलाइट कर देनी है कम समथिंग इतना, ठीक है, एंड इसकी शेडो जो है इसको कर देना है, इसको भी कर देना है माइनस, इसको भी कर देना है माइनस समथिंग इस तरह, ठीक है, एंड इसकी जो ब्लैक्स है इसका ब्लैक्स कर देना है आपको कम कुछ इतना, ठीक है। फिर यहाँ से चले जाना है आपको इस वाले ऑप्शन पे एंड चले जाना है मिक्स पे एंड इसको ग्रीन, ग्रीन का आपको कर देना है प्लस समथिंग इतना, ठीक है, एंड उसको कर देना है माइनस आपको। माइनस कर देना है, ठीक है, इसको कर देना है आपको प्लस, एंड जो इसका लुमिनेंस है इसको भी कर देना है आपको माइनस इतना। इतना हो जाने के बाद अभी यहाँ से आपको सभी के कर देना है माइनस, ठीक है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यहाँ से डन है। अभी अभी आपको चले जाना है मास्किंग में, अभी पूरी अपनी फोटो मास्किंग में ही एडिट हो रही है, ठीक है गाइस। प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर रहे हैं और सिलेक्ट सब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। ये सिलेक्ट सब्जेक्ट कर देने के बाद अपना जो बैकग्राउंड का है उसको डार्क करना है अभी, ठीक है, अपने सब्जेक्ट पर अभी फोकस लाना है। तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करके उसको करेंगे डार्क, ठीक है, तो डार्क इसको इन्वर्ट कर देंगे एंड इसको जो लाइट्स वाले ऑप्शन पे चले जाने के बाद इसका एक्सपोजर कर देंगे कम एंड इसका ब्लैक्स भी कर देंगे कम, ठीक है, समथिंग ना। यहाँ से कर देंगे राइट, फिर से वही ऑप्शन पे चले जाएंगे प्लस वाले एंड सिलेक्ट सब्जेक्ट। ये थोड़ा टाइम लेता, ठीक है, तो आप वेट कर लेना। इतना होने के बाद अभी यहाँ से कर देना आपने सब्जेक्ट को, उसको कर देना ब्लैक्स को कर देना कम, ब्लैक्स को कर देना कम। इतना हो जाने के बाद यहाँ से कर देना डन एंड फिर से वही चले जाने के प्लस एंड लीरियन ग्रेडियंट ले लेना आपको, यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे इसको एक्सपोजर इसका कर देना है कम एंड इसका ब्लैक्स भी कर देना है कम। यहाँ से डन, फिर से वही ऑप्शन, फिर से सिलेक्ट लीरियंट ग्रेडियंट, फिर से वही एंड इसको भी एक्सपोजर कर देना है कम। इतना देर पर यहाँ से डन कर देना है आपको, आपको उसी ऑप्शन पे चले जाना है, इसके जाकर इसका स्किन का कर देना है आपको ब्राइट, ठीक है, इसको कर देना है माइनस एंड इसको कर देना है। इतना हो जाने के बाद अभी यहाँ से चले जाना है आपको कर्व वाले ऑप्शन पे, लाइट्स पे चले जाने के कर्व में चले जाना है
एंड इधर सिलेक्ट करके यहाँ से तीन पॉइंट बनाएंगे हम, ठीक है, शैडो मिड टोन, तीन पॉइंट बनाएंगे, यहाँ से हल्का ऊपर लेंगे एंड इसको लाएंगे हल्का नीचे, क्योंकि अपने फोटो में एक फेड ऐड हो जाएगा, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं करना ना करना ओवर लगेगा। यहाँ से ब्लू वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके इसको कर देना नीचे की ओर और इसको कर देना ऊपर, इतना हो जाने के बाद यहाँ से कर देना आपको डन। अब इतना हो जाने के बाद अभी आपको इस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर अपने को ग्रेडिंग करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको हाईलाइट में चले जाना है, हाईलाइट में चले जाने के बाद उस पर क्लिक करके यहाँ से सेचुरेशन आपको बढ़ा देना है और आप ह्यू देखेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं कुछ इस इधर रखता हूँ, ठीक है, ब्लू टोन चाहिए थोड़े हल्के हल्के अपने, इधर सेचुरेशन को कर देंगे माइनस एंड ल्यूमिनेंस को कर देंगे इंक्रीज। यहाँ से चले जाएंगे शैडो में, सेचुरेशन सेम प्रोसेस है, इसको कर देंगे, अभी देखेंगे अपने फोटो के कौन से हिसाब से अच्छी लगती टोन, ठीक है, तो ये कुछ अच्छी लग रही है, इसको कर देंगे माइनस। इतना हो जाने के बाद इसको कर देंगे ल्यूमिनेंस को कर देंगे माइनस और यहाँ से कर देंगे डन। तो गाइज अपनी फ़ोटो बिफोर आफ्टर देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तरह से मतलब मूडी टोन आ चुके अपनी फ़ोटो में, ठीक है। अगर आपकी ये स्किन अभी डल लग रही है तो भाई आप इधर जाकर अपनी स्किन का कलर ल्यूमिनेंस बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बस बिफोर आफ्टर, बस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए।